Sumbat-sumbat. नमस्कार दोस्तों, इलाहाबाद स्टूडेंट चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों, आज का नज़ारा कुछ इस तरह बक्सी बांध का है। इलाहाबाद के बक्सी बांध दारागंज क्षेत्र में पड़ता है ये। इस तरह नज़ारा आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये बगल में है एक प्लांट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, पानी को शुद्ध करके फिर गंगा में छोड़ता है। और ये नज़ारा आप देख रहे हैं कुछ इस तरह। तो दोस्तों, आपको जो उधर मकान दिख रहे हैं ढेर सारे, ये लगभग पड़ जाएंगे आपके सलोरी क्षेत्र में, बघाड़ा सलोरी क्षेत्र है। सब काफ़ी विद्यार्थी रहते हैं, विद्यार्थियों के लिए फेमस है ये क्षेत्र। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस समय नदी का जलस्तर जो है बढ़ चुका है। आगे आपको दिखाएंगे, काफ़ी स्तर बढ़ चुका है। कुछ स्तर और बढ़ा तो काफ़ी परेशानियां बढ़ जाएंगी, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, लोगों के घरों में पानी भी आ सकता है। और इसका भारी भरकम नुकसान तो लगभग मिला जुला के छात्रों को ही होता है। उन्हें मकान खाली करके घर भागना पड़ता है, या फिर इधर उधर दोस्तों के यहाँ शरण लेनी पड़ती है। तो ये देख रहे हैं दोस्तों आप, नदी का जलस्तर पहले काफ़ी कम था लेकिन कुछ दिनों से बढ़ गया। और इसी तरह बढ़ता रहा तो काफ़ी नुकसान होगा छात्रों का और यहाँ के लोकल लोगों का। तो दोस्तों, ये नज़ारा बक्सी बांध का देख रहे हैं। ये सुबह शाम लोग इस पर टहलने भी आते हैं। और ये प्लांट है, सीवेज प्लांट है। इस समय सुबह के लगभग 11 बज रहे हैं। आपने कहा सुबह शाम लोग टहलने आते हैं, रोड पर कितने लोग आ जाते हैं? अरे काफ़ी लोग हैं, लगभग एक दिन में 500 से 1000। गंगा नदी यार बहुत खतरनाक भी है। खतरनाक तो नहीं, साल भर पानी नहीं रहता, लेकिन बरसात के मौसम में दिक्कत हो जाती है कुछ किनारों पर। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।